साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर दबाएं और जो यहाँ पर हैं आल कर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे जो एम्प्लॉई हैं वो अपनी सैलरी स्टेटस कैसे चेक कर सकता है साथियों पे मैनेजर पर। तो आपको सबसे पहले अपने जो ब्राउजर हैं उसको ओपन करना है, उसमें गूगल पर आपको पे मैनेजर सर्च करना है। यहाँ पर टाइप करना है पे मैनेजर, तो आप यहाँ पर पे मैनेजर टाइप कर दें। देखिए, पे मैनेजर टाइप करने पर आपके सामने जो पे मैनेजर से संबंधित हैं ऑप्शन वो दिखाई देगा। यहाँ पर पे मैनेजर पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो पे मैनेजर हैं वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए, यूजर नेम, पासवर्ड, एंटर कैप्चा, लेकिन एक समस्या, यहाँ पर एम्प्लॉय शो नहीं हो रहा है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय लॉगिन, तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉय लॉगिन करना है। सबसे पहले एम्प्लॉय लॉगिन पे क्लिक करें। यहाँ पर एम्प्लॉय लॉगिन करने के बाद आपकी जो यहाँ पर है एम्प्लॉय लॉगिन से संबंधित जो बटन है वो शो हो चुका है। देखिए, अब आपको यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड जो आपके हैं पे मैनेजर के वो यहाँ पर डालने हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पे मैनेजर की आईडी, पासवर्ड आप भी डाल दें। इसके बाद आपको जो कैप्चा है, इंटर कैप्चा यहाँ पर भरने हैं। कैप्चा यहाँ पर भर दें आप, और यहाँ पर कैप्चा भरने के बाद आपको यहाँ पर एम्प्लॉई पर क्लिक करके लॉगिन करना है साथियों। लॉगिन कर दें। अब लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो पेज ओपन है पे मैनेजर का आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो कॉर्नर पर एम्प्लॉय कॉर्नर दे रखा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे एम्प्लॉय ट्रांसफर रिक्वेस्ट है, एम्प्लॉय डिटेल्स हैं, टीए मेडिकल बिल्स, मास्टर डाटा रिक्वेस्ट, एम्प्लॉय रिपोर्ट, तो आपको यहाँ पर करना क्या है साथियों, अपना जो सैलरी बिल स्टेटस है वो जानना है। तो आपको यहाँ पर टीए मेडिकल बिल्स इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एम्प्लॉय मेडिकल बिल, टीए मेडिकल और बिल वाइज स्टेटस, एम्प्लॉय टीए बिल, एम्प्लॉय बिल फॉरवर्ड, एम्प्लॉय बिल स्टेटस, तो आपको यहाँ पर जो सबसे पहले जाना है वो है बिल वाइज स्टेटस। इस पर क्लिक करना है, जो तीसरे नंबर पर ऑप्शन दे रखा है बिल वाइज स्टेटस, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हो साथियों, तो आपके सामने यहाँ पर जो एम्प्लॉय बिल स्टेटस से संबंधित डिटेल हैं वो शो होती हैं, जैसे ईयर कौन सा है आपको वो भरना है, सेलेक्ट मंथ जो आपका कौन से महीने का जो बिल स्टेटस है वो जानना है आपको, तो वो सेलेक्ट करना है यहाँ पर, और सैलरी जो है आपकी सेलेक्ट बिल टाइप कौन सा है वो करना है। तो यहाँ पर आप महीना सेलेक्ट कर लें, जैसे मैं यहाँ पर अगस्त माह कर देता हूँ। इसके बाद आपको करना है सेलेक्ट बिल टाइप, तो यहाँ पर अपना बिल जो है कौन सा है, सैलरी का है, सरेंडर का है, या डीए, बोनस, टीए, मेडिकल, जैसा भी आपका जो स्टेटस आपको जानना है। तो मैं यहाँ पर सैलरी, आज हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी के जो स्टेटस कैसे जान सकें, तो देखिए यहाँ पर आपके सामने जो अगस्त माह का सैलरी स्टेटस है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रहा है साथियों। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पर जुलाई माह कर देता हूँ, देखिए, और यहाँ पर सैलरी जो सेलेक्ट बिल टाइप है यहाँ पर सैलरी कर देता हूँ। इसके बाद देखिए आपके सामने यहाँ पर जो जुलाई माह का है वो सैलरी स्टेटस है आपके सामने शो हो चुका है। इसमें आपको यहाँ पर जैसे प्रोसेस है वो यहाँ पर राइट बता रहा है, डीडीओ फॉरवर्ड वो भी राइट है, टेजी फॉरवर्ड वो भी राइट का निशान है यहाँ पर, और बैंक स्टेटस वो भी राइट है, और टीवी नंबर है वो भी यहाँ पर राइट है साथियों। तो इस प्रकार आप जो हैं अपना सैलरी बिल का है स्टेटस जान सकेंगे साथियों, बहुत ही आसान है। तो आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों।